तीन ऐसी चीजें हैं, अगर हम सब इन तीनों में फर्क करना सीख जाए, अगर समझ जाए कि ये तीनों क्या अलग अलग चीजें हैं, तो आई एम टेलिंग यू हमारे जो दुनिया के, सिर्फ आपके पर्सनल नहीं, दुनिया के जो 90% प्रॉब्लम्स हैं सब खत्म हो जाएंगे। तो क्या है वो तीन चीज, हम रोज यूज करते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन तीनों में कहीं ना कहीं एक ओवरलैपिंग हो चुका है, एक समझ में नहीं आता कौन सी चीज़ कहाँ की है, क्या सुना है, क्या कहा है, क्या सही है, क्या गलत है। तो आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन टू यू कि ये तीन चीज़ें क्या हैं। ओके, अब मैं उसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं मुझे नहीं पता। ओके, मैं भी इस कोशिश में हूँ, लेकिन हाँ वो तीन चीज़ों को मैं बता सकता हूँ कि वो तीन चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले है रिलीजन, उसके बाद है कल्चर, उसके बाद है सोसाइटी। रिलीजन, कल्चर, सोसाइटी। रिलीजन क्या है? हमारा ईमान धर्म, कोई जैसे कि हिंदुइज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज्म है, ये रिलीजन है। कल्चर हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता, हमारा हेरिटेज, हम इंडियन हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, भी हमारा कल्चर ये है, कोई वेस्ट से है उनका कल्चर कुछ और है, कोई ईस्ट वर्ल्ड से है उनका कल्चर कुछ और है। फिर हम आते सोसाइटी पे, सोसाइटी में जो हमारा रहन सहन है, जहाँ हम रहते हैं, मतलब बिल्डिंग सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मोहल्ला है, जो एरिया है जहाँ पर आप रहते हैं। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, इन तीनों चीज़ों में फ़र्क जो है कहीं ना कहीं खो गया है, और अब हमको समझ में नहीं आता कि ये हमारा रिलीजन है, हमारा कल्चर है, ये हमारी सोसाइटी है, हमारा रिलीजन है, क्या है। तो भाई रिलीजन में वो सारी चीज़ें हैं जो लिखी गई हैं, जो बताई गई हैं, जो किताबी चीज़ें हैं, तो वो आपका रिलीजन है, आपको उसे फॉलो करना है। कल्चर है जहाँ आप पैदा हुए हैं, जिस देश में आप आए हैं, दुनिया के कौन से हिस्से में आप आए हैं, बिकॉज हर दुनिया के अलग अलग हिस्से का कल्चर अलग है। कहीं पे हाथ जोड़ के मिला जाता है, कहीं पे हाथ खोल के मिला जाता है, कहीं पे हाथ उठा के मिला जाता है। तो ये होते हैं उनके कल्चर, सबके कल्चर अलग अलग हैं। अब कल्चर की बात, जैसे शादी, एक बेस्ट एग्जांपल शादी। अब हमारा यहाँ मानना है कि भाई दुल्हन का जोड़ा लाल होना चाहिए, कहीं हरा होता है, कहीं सफ़ेद होता है, कहीं पीला होता है। आप किसी भी रिलीजन के हैं, अगर आप स्पेन में हैं, अगर आप हिंदू हैं और आप स्पेन में हैं, तो आप फेरे तो करोगे, लेकिन वहाँ का जो तौर तरीका होगा वो अलग होगा, वहाँ पे जो खाना सर्व किया जाएगा वो अलग होगा। अगर आप मुस्लिम हैं और अगर आप जर्मनी में शादी कर रहे हैं, तो आप निकाह करोगे, लेकिन जो सेलिब्रेशन होगा वो अलग होगा। अगर आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप इंडिया में शादी कर रहे हैं, तो आप चर्च में करोगे, लेकिन उसके बाद जो खाना पीना होगा वही जो होता है। तो ये होता है हमारा कल्चर जो हम फॉलो करते हैं, और इसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं कि भाई उनका कल्चर वैसा है, हमारा कल्चर वैसा है। कोई सही और कोई गलत नहीं होता, सब अच्छे होते हैं, सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू जो है देखने का अलग अलग हो जाता है। इसे लगता है कि भाई हम सही हैं, वो गलत है। अब हमारा जो इंडियन कल्चर है वो एक अलग कल्चर है, हम सब जानते हैं क्या है। वेस्ट का एक अलग कल्चर है, हमको लगता है हाँ ऐसे होता है वहाँ पे, है ना। अब आते हैं सोसाइटी पे। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी जहाँ आप हम रहते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मतलब मुंबई में देखना, दो अलग अलग सोसाइटी है। एक हो गई सोबो, जिसे कहते हैं साउथ बॉम्बे, और एक होता है सबर्ब्स। तो यहीं पर कितना फ़र्क है, एक मेजर फ़र्क है दोनों की सोसाइटी में, मुंबई में ही। तो आई एम श्योर आप लोग जहाँ पर रहते हैं, आपकी सोसाइटी में भी एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में भी फ़र्क है। अब मैं जहाँ पर रहता हूँ अंधेरी में, यहाँ पर एक अलग कल्चर है। लोग बोलते हैं भाई यहाँ पर सारे फिल्म वाले रहते हैं, यहाँ पर रात भर तक, लेट नाइट तक चीज़ें होती हैं। अगर आप कहीं और चले जाएँ, बोरीवली ईस्ट चले जाएँ, तो वहाँ बोलेंगे नहीं भाई यहाँ पे तो कोई फिल्म वाले लोग नहीं रहते, यहाँ पे तो कोई टीवी वाले लोग नहीं रहते, यहाँ पे हम लोग इतनी पार्टियाँ नहीं करते। तो वो हो जाता है उनकी सोसाइटी, करेक्ट। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, रिलीजन, कल्चर और सोसाइटी, इन तीनों में कहीं ना कहीं एक फ़र्क खो गया है। अगर हम सब इन तीनों में अपने तौर तरीके से फ़र्क समझ जाए कि ये हमारा रिलीजन है, ये हमारा कल्चर है, और ये हमारी सोसाइटी है, अपना ही नहीं दूसरों का भी, तो आई एम श्योर बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एंड अगर आप लोगों को कुछ और लगता है कि क्या डिफरेंसेस हैं
बिकॉज मैंने कहा कि मैं ज़्यादा डेप्थ में घुसूंगा नहीं, मैं सिर्फ एक बताऊंगा मोटा मोटा कि भाई ये तीनों चीज़ें हैं, इनमें कहीं ना कहीं अब हम जाके खो गए हैं, तो वापस आना बहुत ज़रूरी है ताकि वी हैव अ बेटर प्लेस, वी हैव अ ब्यूटीफुल प्लेस, बिकॉज यू ऑल आर सो लवली एंड सो ब्यूटीफुल, आई लव यू ऑल सो मच।